बात करेंगे केसरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि केसरी को आज टोटल 15 दिन हो गए हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए। कल था 14वां दिन और आज है डे 15। तो हम आपको बताएंगे कि केसरी मूवी ने 14 दिन में कितना कलेक्शन किया और आज उसकी टिकट ऑक्युपेंसी की रिपोर्ट कितनी आ रही है और मूवी आज कितनी कमा सकती है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का जादू बॉक्स ऑफिस पर सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें केसरी मूवी ने 7 दिन में ही 100 करोड़ की कमाई करने के बाद फिल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अच्छा खासा कमाई करती ही जा रही है। आपको बता दें कि देशभक्ति की भावना से भरपूर केसरी दर्शकों को खूब रास आ रही है। फिल्म में सारागढ़ी की लड़ाई को दिखाया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर केसरी की कमाई के ताजा आंकड़े शेयर किए हैं। आपको बता दें कि केसरी को टोटल 4200 स्क्रीन्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है। वहीं अगर बात करें इंडिया में तो आपको बता दें कि इंडिया में 3600 स्क्रीन्स मिली हैं फिल्म केसरी को। वहीं अगर बात करें ओवरसीज स्क्रीन्स की तो आपको बता दें केसरी को 600 ओवरसीज स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है। अब बात कर लेते हैं केसरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो हम आपको बता दें केसरी ने ओपनिंग डे यानी कि पहले दिन यानी कि डे वन यानी कि थर्सडे को मूवी ने 21.6 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं डे टू की बात करें यानी कि फर्स्ट फ्राइडे को यानी कि डे टू को तो मूवी ने 16.75 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं बात करें डे थ्री यानी कि सैटरडे को तो मूवी ने 18.75 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे फोर की बात करें यानी कि संडे को तो मूवी ने 21.51 करोड़ का बिजनेस किया, अच्छा खासा होल्ड दिखाते हुए। वहीं डे फाइव की बात करें यानी कि मंडे को तो मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन नहीं किया और आपको बता दें कि उस दिन मूवी ने 8.25 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं छठवें दिन आपको बता दें और गिरावट आ गई मूवी के कलेक्शन में। आपको बता दें कि छठवें दिन यानी कि डे सिक्स ट्यूजडे को मूवी ने 7.17 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे सेवन की बात करें यानी कि वेडनेसडे को तो मूवी ने 6.52 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे एट की बात करें यानी कि थर्सडे को तो मूवी ने 5.85 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं इसका वीक वन का कलेक्शन हो जाता है टोटल 105.86 करोड़ रुपए। वहीं बात करें अगर डे नाइन की यानी कि फ्राइडे को तो मूवी ने होल्ड दिखाते हुए अच्छा खासा 4.45 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे टेन की बात करें यानी कि सैटरडे को तो मूवी ने 6.45 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे 11 यानी कि संडे को बात करें तो मूवी ने फिर से अच्छा खासा होल्ड दिखाते हुए 8.25 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं अगर बात करें डे 12 यानी कि मंडे को तो मूवी के कमाई में गिरावट आई और गिरावट आते ही मूवी ने 3.27 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे 13 की बात करें यानी कि ट्यूजडे को तो मूवी ने 2.75 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं डे 14 की बात करें तो आपको बता दें यानी कल तो मूवी ने 2.50 करोड़ के लगभग कमाए थे, अच्छा खासा अभी भी कलेक्शन कर रही है। वहीं आज की बात करें यानी कि डे 15 की तो आज की टिकट ऑक्युपेंसी आ रही है मॉर्निंग शोज की 5% से 6%। वहीं आफ्टरनून शोज की बात करें तो आफ्टरनून शोज की ऑक्युपेंसी है 10% से 14%। वहीं इवनिंग शोज की ऑक्युपेंसी की बात करें तो इवनिंग शोज की ऑक्युपेंसी आ रही है 20% से 24%। वहीं नाइट शोज की भी सेम ऑक्युपेंसी आ रही है 20% से 24%। वहीं आपको बता दें आज के अर्निंग की बात करें यानी कि आज के कलेक्शन की यानी कि डे 15 की तो आज मूवी लगभग 2 करोड़ का बिजनेस कर सकती है टिकट ऑक्युपेंसी के हिसाब से। वहीं अगर आज मूवी 2 करोड़ का बिजनेस कर लेती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 135.53 करोड़ रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मूवी का हो जाएगा 182.56 करोड़ रुपए। वहीं इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा मूवी का 159.56 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज कलेक्शन हो जाएगा मूवी का 23 करोड़ रुपए। तो ये थी पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट फिल्म केसरी की। वहीं आपको ये मूवी कैसी लगी हमको बताइए। वहीं और भी बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।